सर्च कर लीजिएगा राजस्थान जी एन एम बस इतना ही सर्च कीजिएगा जो उसका ऑफिशियली इसका ऊपर वाला पेज आता होगा आ, आ, राज जी एन एम डॉट राजस्थान डॉट जी ओ वी डॉट इन साइड पर आपको क्या करना है क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा सफेट खुलेगा अब और यहाँ पे आपका क्लिक है टू एप्लीकेशन में यहाँ पे आपको बच्चों क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद होगा क्या आपके सामने कुछ ऐसा सॉफेक्स खुल जाएगा अब खुलने के बाद होगा क्या यहाँ पे सबसे पहले बच्चों आपको कहाँ पे जाना है तो आप लोग बोलोगे सर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है तो चलिए हम रजिस्ट्रेशन पे क्या करते हैं क्लिक करते हैं रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद होगा क्या हमारे सामने बहुत सारे सॉफेक्स खुलेंगे लेकिन हमको क्या करना है यहाँ पे देखिए हमको कह रहा है कि सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा या आपका अब जान आधार बहुत सारे हो गए लेकिन हम सबसे आपको पता है कि गूगल क्या होता है तो ऑथेंटिक होता है तो चलिए गूगल पे बच्चों क्लिक करते हैं जैसे अगर आप लोग गूगल अपना नया पासवर्ड बना कर क्या करोगे रजिस्टर पे क्लिक कर दोगे तो चलिए रजिस्टर पे क्लिक करते होंगे तो चलिए बच्चों जैसे ही अगर आप लोग उसको लॉग कर लोगे वहाँ पे करने के बाद आपके सामने लिखेगा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली इतना इतना और उसके बाद क्या लिखेगा आपका कि उसके बाद क्या करना है बच्चों आपको तो आपको क्या करना है आपको ओके पे क्लिक कर देते चलिए मैं ओके पे क्लिक कर देते हैं ओके अब बच्चों क्या करना है जो हमारा जो नया नया जो हमारा बना है आईडी ये जो आपका आईडी बना है एस एस ओ आई डी ए आई डी को आपको जो आपको अभी मिला है वहाँ पे इसको लॉग इन यहाँ पे कर और जो पासवर्ड भी हम बनाए हैं कर जो कैप्चा एंटर कर हमको क्या करना है लॉग इन पे क्लिक कर लेना चलिए हम लॉग इन पे क्लिक करते हैं ओके अब देखिए बच्चों क्या होगा यहाँ पे यहाँ पे जो आपका जैसे ही खोल दोगे यहाँ पे आपका फर्स्ट नेम यहाँ पे आपका लास्ट नेम खुलेगा डिस्प्ले नेम आपका होगा यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ अपना सेलेक्ट कर सकते हो मेल हो तो मेल फीमेल हो तो फीमेल आपका जो भी सेलेक्ट कर सकते हो करने के बाद यहाँ पे बच्चों आपको बता दे यहाँ पे कि अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे आपका टेलीफोन नंबर होगा आपका एड्रेस होगा या आपका डिस्ट्रिक्ट होगा या आपका स्टेट होगा आपका ये सब आप लोग क्या कर सकते हो अपना आप लोग सेलेक्ट कर सकते हो सेलेक्ट करने के बाद बच्चों आपको क्या करना है आपको आपको क्या करना है आपको आपको अपडेट पर क्लिक कर देना ओके तो चलिए बच्चों बता दें जैसे अगर आप लोग वहां बच्चों अपडेट पर क्लिक कर देना करने में क्लिक कर देना एंड 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 तो बच्चों ओके पर क्लिक कर दोगे तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे आपको खुल जाएंगे बहुत सारे आपको खुल जाएंगे यहाँ पे लेकिन हमको क्या करना है तो आप लोग बोलोगे सर जी जीएनएम का हमको फॉर्म फिल करना है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे यहाँ पे तो चलिए बच्चों आपको क्या करना है ये यह आपको यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है जीएनएम जी एन एम सर्च कर लोगे करने के बाद जो आपके सामने जो आपका सफेक्स को लेगा राज G -N -M वाला इस पर बच्चों क्या करना है आपको क्लिक कर देना है तो क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है यहाँ पे जो आपका सबमिट अपलीकेशन फॉर्म लिख रहा है बच्चों इस पे आपको क्लिक कर देना तो चलिए मैं इस पर क्लिक करते हैं अब क्लिक करने के बाद यहाँ से आपसे पूछा जाएगा कि आप नेशनलिटी आपका इंडियन या अदर्स तो आपको क्या करना है बच्चों आपको इंडियन पे आपको क्लिक कर देना है तो चलिए हम इंडियन पे क्लिक कर देते हैं Osionfish. इंडियन पे क्लिक करने का पूछा जाएगा आप राजस्थान के मूल निवासी अगर यस हो yes, oh, तो यस नो हो तो चलिए हम आपको नो no, पे क्लिक करते हैं अब क्या करना है आपको सामने यहाँ पे ऐसा खुलेगा अब आपके सामने कुछ ऐसा सॉफेक्स खुलेगा यहाँ पे आप देखिए अब आपके सामने कुछ ऐसा सॉफेक्स खुलेगा यहाँ पे आपको आवेदक नेम तो यहाँ पे आपको ना आवेदन नेम दे दे देना है यहाँ पे जो आपका होगा यहाँ पे आपका ना आवेदन जैसे में राम सिंह कुछ भी होगा यहाँ पे आपका आवेदन नाम दे देना है यहाँ पे आपको फादर्स नेम आपको यहाँ पे आपका पे फादर्स नेम यहाँ पे आपको फादर्स नेम दे देना है फिर नीचे यहाँ पे आपको यहाँ पे आपको आपको मदर्स नेम दे देना ओके मदर्स नेम दे देना है नीचे उसके बाद जेंडर मेल तो मेल तो मेल तो फीमेल तो फीमेल आप लोग चूज कर लीजिएगा उसके बाद यहाँ पे आप बच्चों क्या करना है आपको डेट ऑफ बर्थ दे देना है उसके नीचे आपको जो फोन नंबर जो फोन नंबर लगे आपको अपना फ़ोन नंबर दे देना है उसके अलावे अलावा बच्चों आपको बता दें यहाँ पे जो अपनी क्या है ईमेल आईडी ईमेल आईडी आपको क्या करनी है आपको ईमेल आईडी दे देनी है फिर उसके बाद यहाँ पे जो अपनी जो आपको आधार कार्ड होगा वो आपको यहाँ पे जो आपका आधार कार्ड होगा दे देना है फिर नीचे अगर बात कर यहाँ पे आपका लेटेगरी कैटेगरी कैटेगरी में आपका जनरल होंगे तो जनरल सी होंगे एस सी एस टी तो चलिए हम जनरल सिलेक्ट कर लेते हैं सिलेक्ट करने के बाद आपका कास्ट नेम पूछा जाएगा अगर कास्ट नेम पूछा जाएगा तो मान लीजिए कि हम राजपूत है तो यहाँ पे हम राजपूत लिख देंगे या ब्राह्मण तो ब्राह्मण लिख देंगे ठीक है उसके बाद फॉर कन्फर्मेशन आपका कह रहा है कि क्या पीडब्ल्यू एस से बिलोंग करते हो इकनॉमी अगर ई डब्ल्यू एस से हैं तो अगर आप लोग यस कर दोगे अगर अगर ई डब्लू एस का अगर यस करते हो तो फिर ई डब्ल्यू एस का आपका सर्टिफिकेट नंबर और आपको इशू डेट देना होगा अगर नहीं करते हो तो आपसे नहीं मांगा जाएगा फिर क्या आप आ, टी एस पी एरिया से बिलोंग हैं तो अगर टी एस पी एरिया से आप बिलोंग हैं तो यश कीजिएगा तो नो करते चलिए हम इससे कोई एरिया से हम बिलोंग नहीं है क्या रहा है क्या पी डब्ल्यू है तो हम नहीं है ठीक है क्या फिर पूछ रहे हैं कि आप माइनॉरिटी हो तो माइनॉरिटी जितने भी आपको मुस्लिम क्रिश्चियन बौद्ध ये सब माइनॉरिटी कहा जाते हैं तो चूंकि हिंदी माइनॉरिटी नहीं है मेजोरिटी है इसलिए हम क्या करेंगे इस पे, इस पे नो पे क्लिक कर देंगे ओके okay? और मुस्लिम ये ये सब आपका क्रिश्चियन सब माइनॉरिटी क्लिक कर सकते हैं क्या आपके परमानेंट राज्य गवर्नमेंट का क्या पास आप अस्थायी कर्मचारी हैं तो हम कर्मचारी नहीं है नो पे क्लिक कर देते हैं क्या आप राजस्थान के डोमिसाइल है यस तो यस नहीं हो तो नो चलिए हम नो पे क्लिक कर देते हैं okay? ओके अब बच्चा हमारे सामने अब बच्चा हमारे सामने ये सॉफे अब बच्चा हमारे सामने ये सॉफे कि आपका पूछ रहा है वर्तमान पता तो हमें यहाँ पे अपना पता दे देंगी अपने उसके बाद नीचे यहाँ पे अपना स्टेट मान लीजिए कि हम असम तो असम दे दिए और यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट जो इसका डिस्ट्रिक्ट भी आएगा आप लोग डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लोगे फिर यहाँ पे जो देखिए यहाँ पे आपका तहसील सेलेक्ट कर लेना यहाँ पे अपना जो पिन कोड होगा पिन कोड एंटर कर देना है ओके बच्चों तो चलिए बच्चों अगर आप लोग इस पर अगर कॉपी पे क्लिक कर दोगे तो आपकी जो सारी है यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक आपका परमानेंट एड्रेस में आपको पेस्ट हो जाएगी ओके बच्चों अब आपसे पूछ रहा है यहाँ पे कि सीनियर सेकेंडरी बोर्ड ट्वेल्व का तो आप आर से किए होंगे तो आर बी एस सी से करें होंगे अगर मान लीजिए अदर बोर्ड से किए होंगे तो मान लीजिए कि आपका अदर बोर्ड राजस्थान बोर्ड से पढ़े होंगे तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं मान लीजिए आपको सी बी बोर्ड से पढ़े होंगे आपका बिहार बोर्ड से पढ़े होंगे पंजाब बोर्ड से पढ़े होंगे आई सी बोर्ड से पढ़े होंगे तो आपको क्या चीज़ पर क्लिक करना आपको अदर पे क्लिक कर देना ओके अब बच्चा हमारे सामने यहाँ पे बैंक डिटेल्स तो आपका जो आपका बैंक डिटेल्स है जो आप लोग यहाँ पे अपना बैंक नंबर होगा आपका कार्ड जिसके नाम से बैंक डाटा है उसके बाद बैंक का नाम क्या है आपका उसका ब्रांच का नाम क्या है आई कोड यहाँ पर आप लोग डाल दोगे ओके और यहाँ पे बच्चों आपसे पूछा जाएगा आपका सेकेंडरी स्कूल के बाद सेकेंडरी पूछ रहा है तो मान लीजिए हम कुछ जिस बोर्ड से किए हैं तो मान लीजिए अगर हम अगर हम सी बी एस ई से किए हैं तो सी बी एस ई डाल देंगे यहाँ पे जो हमारा रोल नंबर है वो अपना अपना रोल नंबर डाल देंगे यहाँ जी डाल दीजिएगा अब डालने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है अब डालने के बाद आपको क्या करना है यहाँ पे आपका अप्लीकेशन फ़ोटो आपका फोटो चूज कर लेना है आपका कम से कम पचास के बी और अधिक से अधिक सौ के बी के बीच होना चाहिए यहाँ पे अपना सिग्नेचर चूज कर लीजिएगा यहाँ पे अपना फोटो हो गया सिग्नेचर हो गया उसके बाद बच्चा क्या हमारे पास तो बच्चों यहाँ पे हमारा आवेदक फ़ोटो तो आवेदक फोटो तो हो तो ही गया आवेदक फोटो भी हो गया अप्लीकेंट फोटो अपलिकेंट सिग्नेचर हो गया फिर उसके बाद आपको मार्कशीट हो गया और सीनियर सेकेंडरी का मार्कशीट हो गया यानी आपका मैट्रिक का मार्कशीट यहाँ पे और आपका टूवल्व का मार्कशीट यहाँ पे आपको क्या करना अपलोड करके सबमिट पे क्लिक कर देना हैं चलिए हम सबमिट पे क्लिक करते हैं चलिए बच्चा उसके बाद होगा क्या यहाँ पे आपका जो जी का आपको दो सौ आपको पेमेंट करवाना है तो नेट बैंकिंग से थ्रू नेट बैंकिंग से शुरू करा सकते हो और आपका नीचे आपको दिया होगा तो चलिए हम आपको यहाँ पर सेलेक्ट बैंक जो भी आपका बैंक करना है मान लीजिए कि एस बी आई का तो आपको पता है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बहुत ही आपका पॉपुलर है यहाँ पे हम पे नाउ पे क्लिक कर देते हैं पे नाउ पे क्लिक करने के बाद हमको रीडायरेक्ट करेगा और रीडायरेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो देखिए यहाँ पे हम अपने जो नेट बैंकिंग के थ्रू आप लोग यहां से अपना अपना पेमेंट आप अप लोग अपना कटवा सकते हो ठीक है तो मात्र कितना है आपका दो सौ तीस रुपया बच्चों बच्चों बच्चो आपको बता दे या पे अगर अगर बच्चो आपको बच्चों बता, ब... बता दे अगर एग्रीकेटर पे क्लिक करते हो तो आपके सामने कुछ ऐसा सफेक्स मिलेगा यहाँ पे जो भी आपको यहाँ पे आपको यूपीआई दिए गए बहुत सारे और पेटीएमटीएम जो भी आपको बहुत सारे तो चलिए बस आपको बता दें कि आपकी जो मेथड से आपको पेमेंट करने का मेथड नेट बैंकिंग से ही हो गया आपका एग्रीकट जहीं से कर आप लोग आप लोग पेमेंट कर सकते हो तो मात्र आपका दो सौ तीस ही पेमेंट लग रहा है तो ओके थैंक यू सो मच चैनल से जरूर जुड़े रहिए ताकि और कोई भी आपको दिक्कत हो आपको यहाँ पे कह रहा है कि इफ़ आप ट्रांजेसन इज पेंडिंग पे पे या आपका कर दिया जाता है तो आपके अकाउंट में डिडक्ट फिर रिफंड कर दिया जाएगा वर्किंग सात डे तो आप लोग आप लोग लो, पेमेंट बहुत बारीकी से करें और कोई भी दिक्कत हो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक आप लोग वहाँ से भी आकर पूछ सकते हो आप लोग कमेंट में मोर देन आप लोग डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक वहाँ पर जुड़ जाइए वहाँ पर कम से कम एटलीस्ट कम से कम अब हज़ार बच्चे उसमें मतलब टोटल जुड़ने वाले हैं जुड़ गए हैं तो आप लोग भी जुड़ जाइए ताकि और भी आप लोग का सपोर्ट हो और भी आप लोग आगे अच्छा से फिल करवाओ जैसे ही जी एन एम मेरिट लिस्ट आएगी आपको बच्चों बता देंगे ओके थैंक यू सो मच इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि सभी बच्चे अपना जी एन का फॉर्म फिल कर लो के बच्चों